नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह आप लोगों को हाँ जो कि नमस्कार कर रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं प्लानेट भोजपुरी। मैं बलिया जिले के एक गाँव है करण छपरा, मैं वहाँ का निवासी हूँ। मेरे पिताजी पुलिस विभाग में तैनात हैं वाराणसी में। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद वाराणसी आया, वहाँ से मैंने ला किया। एक्टिंग मेरे छोटे और भाई का शौक था कि उसको एक्टिंग करें। धीरे धीरे उसको मैंने सारी तैयारी करवाया, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसका देहांत हो गया। मैं बस उसी को सपने के पूरा करने के लिए मैं एक्टिंग के क्षेत्र में आया और आगे धीरे धीरे मेरा करियर यहाँ तक पहुँचा। मैंने वाराणसी नगर नाटक मंडली है, वहाँ से मैंने 2 साल का कोर्स किया। उसके बाद एक फिल्म बन रही थी, सुजीत पुरी जी ने बनाया था, तेरी मेरी आस की। उनको आए, मुझे बनारस से मिले, स्टेशन पर ही मेरी मुलाकात हुई 10 मिनट का। तो बोले भैया एक फिल्म कर रहा हूँ, उसमें छोटा सा करेक्टर है, मुश्किल से 1 या 2 सीन के लिए इंस्पेक्टर का है, आप कर लें तो अच्छा रहेगा। मैंने बोला भाई मैं छोटी मोटी काम करूँगा नहीं, करूँगा तो बड़ा ही करूँगा। बोले भैया आप आइए तो सही। शूटिंग के लिए मैं बिहार गया, छपरा गया। वहाँ फर्स्ट टेक के बाद उनको क्या लगा, डायरेक्टर को क्या लगा, थ्रू आउट शुरू से लास्ट तक मुझे ही मेन निगेटिव करेक्टर दे दिए, जो कॉमेडी पंचते था। लोगों को बहुत पसंद आया फिल्म। गाँव के लाल और दशरथ दोनों मेरी ऐसी फिल्में हैं। गाँव के लाल तो मैं बोलता हूँ कि सबको देखना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह प्योर भोजपुरी बोलते हैं, जो भोजपुरी में हम लोग बैठ के बात करते हैं, उस तरीके की आपको फिल्म मिलेगी, जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भेजा जा रहा है। तेरी मेरी आस की करने के बाद मैं ऐसे ही फेसबुक पर डालता था, तो जो हमारे गाँव के लाल के डायरेक्टर हैं जगदीश सिंह जी, जिनकी उम्र अभी 82-83 बरस हो गए, उन्होंने मेरे पीछे 3 महीना मेहनत किया। बोले कि मैंने मना कर दिया था कि मैं अब फिल्में नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं करेंगे तो तुम्हारे साथ करेंगे, वरना फिल्म गांव के लाल में करूँगा ही नहीं, क्योंकि जो रोल है, मैंने बोला भी कि आप पवन सिंह चाहे खेसारी किसी को भी ले लीजिए। तो बोले कि नहीं वो रोल तुम पर सूट करता है, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ, अगर नहीं करोगे तो मैं फिल्म करूँगा नहीं। तो 3 महीने उनको पीछे पड़ने की वजह से मैं मार्च में शूटिंग शुरू हुआ गांव के लाल, एज ए हीरो मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद लोगों को अब 24 फरवरी को देखने को मिलेगा भी कि मैंने उसमें क्या काम किया। दशरथ में हमारी मुलाकात हुई थी संजय श्रीवास्तव जी से, उनकी एक फिल्म थी माई के बिरवा, जहाँ मैं घूमने के लिए गया था। उन्होंने बोला कि भैया एक छोटा सा रोल कर देंगे तो सही रहेगा, मैंने ठीक है करते हैं। एक गाँव का ठाकुर का रोल था, मैंने किया उसको। उन्होंने फिर देखा और बोला कि भैया एक फिल्म है दशरथ, जिसमें एक IPS कैरेक्टर के जो रोल है वो आप सूट करता है, मैं चाहता हूँ आप रोल करें। मैंने बोला भाई अभी तो गांव के लाल में कर रहा हूँ, उसके बाद करते हैं। तो बोले कि ठीक है, तब तक आप उसको कहानी को पढ़ ले। मैंने कहानी पढ़ा, मुझे लगा कि इसको रोल करने के लिए मुझे किसी IPS के साथ बैठना पड़ेगा। तो मैं बनारस में करीब 3 महीना IPS जो हमारे थे उनके साथ, क्राइम ब्रांच में उनके साथ मैं रोज सुबह शाम जाकर बैठता था, उनको देखता था किस तरह बोलते हैं, किस तरह चलते हैं, बात करने का ढंग क्या होता है, नेताओं के साथ किस तरह मिलते हैं, सारी एक्टिविटी मैंने ऑब्जर्व किया। उसके बाद हम लोग शूटिंग पर गए। IPS बनने के बाद किस तरह आदमी बिहेव उनका होना चाहिए, उनके में जरा भी नहीं लगता था कि IPS हैं, लेकिन लोगों को महसूस भी कराते थे कि मैं IPS हूँ। दोनों में हमारी अलग अलग रोल है। प्रिया कपूर जी मेरे गांव कलाल में हैं, उनके साथ संजोग से मेरी किसी फिल्म में मेरा रोमांटिक अभी सीन हुआ नहीं, क्योंकि सारे मैंने एक्शन फिल्में किए हैं। और किसी बंदे ने मुझसे पूछा भी कि भैया आप अभी तक किसी हीरोइन के साथ डबल रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसा क्या आप अर्जुन कपूर हो गया क्या? तो मैंने बोला भाई डायरेक्टर जो बोलेंगे, क्योंकि अभी मेरी जितनी फिल्में हैं, जैसे तेवर, हम लोग तेवर की बात करेंगे, तेवर में भी हमारी हीरोइन काजल अगवानी को लिए हैं। उसके बाद सूर्या में एक नई लड़की है भारती चौहान, शपथ में आंचल सोनी है, मतलब सारे हमारे जितने भी हीरोइन हैं भोजपुरी के, मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं प्लानेट भोजपुरी के दर्शकों से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भोजपुरी देखना है तो इस चैनल को जरूर देखें, और हमारी फिल्मों को देखने के बाद आपका नज़रिया बदलेगा। भोजपुरी में एक अच्छी फिल्मों का दौर शुरू हो चुका है, इससे भी अच्छी, पहले भी अच्छी फिल्में बनती थी, लेकिन 100 में करीब 2 या 3 होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब दर्शक भी समझदार हो गए हैं, उनको अच्छी फिल्में चाहिए। हमारे डायरेक्टर भी लगेगा कि नहीं, अच्छी फिल्मों के लिए अच्छे लोग ज़रूरत है इस फिल्म दुनिया में। प्लैनेट भोजपुरी।